सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। सहारनपुर यूनिवर्सिटी के हम बीएड सेकंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। आज का हमारा पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन। सन 2024 का ये पेपर है। पेपर का कोड है 025805, ध्यान रखना। तो जो हमारा मूल्यांकन वाला पेपर है उस पेपर में सन 2024 में किस किस तरह के क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटी ने पूछे हैं ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है मापन आकलन और मूल्यांकन को समझाइए। इन तीनों के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है क्लासेज में अपनी, इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं अधिगम हेतु आकलन, अधिगम का आकलन में विभेद कीजिए, इनके बारे में आपको लिखना होगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने अपनी रेगुलर क्लासेज में आपको पढ़ाए हुए हैं, तो आप इन दोनों में से एक कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं परीक्षण की विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए, या फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं ये वाला परीक्षण की वैधता। तो परीक्षण की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता गुणांक की मैंने आपको बताया हुआ है। ज्ञात करने की विधियों की डिस्कस अब हम करेंगे अपने रेगुलर क्लासेज में। परीक्षण की वैधता को ज्ञात कीजिए, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है परीक्षण की वैधता वगैरह क्या होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमने विश्वसनीय वैधता के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आई होप ये भी आपने अपनी हमारे रेगुलर क्लासेज में पढ़े होंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखो CCSU जो है वो आजकल ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं रख रहा इस पेपर में, CCSU यूनिवर्सिटी जो मेरठ की यूनिवर्सिटी है, लेकिन साकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर की यूनिवर्सिटी वो रख रही है और तगड़े तगड़े क्वेश्चन रख रही है। तो JV जैन कॉलेज के जो टीचर हैं वे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर में रख रहे हैं, ध्यान रखना। आपको मूल्यांकन ये जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये भी अच्छे से पढ़ने होंगे, मीन मीडियन मोड मीन वाले और इसके अलावा स्टैंडर्ड एविएशन वाले ये पढ़ने होंगे। तो हमारे आया हुआ है ये मध्यमान आपको ज्ञात करना है, तो मध्यमान ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको अपनी रेगुलर क्लासेज में बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको चतुर्थांश विचलन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ दिया है इन्होंने, चतुर्थांश विचलन की जगह इन्हें यह दे देना चाहिए था स्टैंडर्ड एविएशन का मानक विचलन। तो ये चतुर्थांश विचलन ज्ञात करना थोड़ा टफ पड़ता है, बाकी इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। अब अपने सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, 4 आपको करने होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन रहता है। तो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिए। ऐसे ही करके मैं आपको एक एक करके सभी शॉर्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन हमारे रेगुलर क्लासेज से आए हुए हैं। हमारी बीएड की डेली रेगुलर क्लासेज चलती है। अगर आप भी डेली रेगुलर क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स के द्वारा अपनी बीएड की तैयारी करना चाहते हैं, तब यहाँ पर आपके डिस्प्ले पर एक नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको बीएड के आपके सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। वे नोट्स काफ़ी ईजी होते हैं, आप उन नोट्स को पढ़कर आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उन नोट्स को पढ़कर ही काफ़ी बच्चे 80% और उससे ज़्यादा नंबर ले आते हैं। ये नोट्स आपके रामबाण का काम करते हैं। इन नोट्स को पढ़कर उसके बाद आपको कुछ भी मॉडल वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा काम वे नोट्स आपके लिए कर देंगे। कुछ आपको जानना है तो रेगुलर क्लासेज पड़ी हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में रेगुलर क्लासेज आप देख सकते हैं। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब सेक्शन सी की बात करते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 8 आपको करने होंगे, 1 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं आपको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ आपके लिए, एक एक करके आप देख लीजिए। देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग तरह से आते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, वन लाइनर आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक आते हैं, तो अलग अलग तरह से आते हैं और अलग अलग तरह से आपको उसकी तैयारी करनी होती है। इसी वजह से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की भी हम एक सीरीज लाते हैं, उस सीरीज को पढ़कर आप आसानी से इनकी तैयारी कर सकते हैं और अपने पेपर में सोल्व करके आ सकते हैं और अच्छे नंबर आप ज्ञात कर सकते हैं। तभी हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, देखो काफ़ी टफ टफ इन्होंने फॉर्मूले वगैरह दिए हुए हैं। ये साकुम्भरी यूनिवर्सिटी देता है इतने टफ टफ, CCSU है वो न्यूमेरिकल पर इतना ध्यान नहीं देता, वो थियोरी पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आसानी से पढ़ लेना आप। तभी आज की हमारी वीडियो थी। आई होप इस पेपर को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप अपने बीएड ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और सभी सब्जेक्ट की बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।